गुड्डू जी, किसके साथ है ये लड़की? कौन है? गुड्डू संभाल के चले जाओगे कि हम अंदर तक चले? चले जाएंगे, फिक्र मत कर। ओए, तोड़ के उसको है। अबे साला, हमरे कोई फिकर है कि नहीं है? अरे अम्मा, दरवाजा खोलो यार। जब इंसान की मति मारी जाता है तो अमृत छोड़ के दारू पी लागत है। अरे अम्मा, दरवाजा खोलो यार। अरे आवत है, काहे चिल्लात हो? गुड्डू जी, क्या चाहते हो हमसे? बड़ी मुश्किल से खुद को मजबूत कर रहे हैं, हमको कमजोर ना कर, हमको मजबूत रहने दो। तुम जाओ यहां से। सुना नहीं दिया हमने क्या कहा? अंदर मत आना कभी। खोल तो रहे। गुड्डू, गुड्डू क्या हुआ? क्या हुआ साला, ये भी हम तुमको बताएंगे? अरे कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं? क्या भूल गए हो क्या हमारा घर है गुड्डू शुक्ला का? अरे कौन सी पंचायत बैठी हुई थी अंदर? और सुनो, अगर तुमको ज्यादा तकलीफ है तुम भी जा सकती हो बाहर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें माफ कर दो। अरे बिटिया, तुम काहे माफी मांगत हो? नहीं बिटिया, नहीं। तुम परेशान ना हो, हमका तो पता है गुड्डू अभी नशे में है, इसलिए ऐसी कड़वी बात बोल गया। तुम परेशान ना हो, कोई बात नहीं, हमका नहीं बुरा लगा। ए रुंधुन, क्या बात है? अरे बताओ। अम्मा, वो लड़की
कौन लड़की? कुछ कुछ नहीं अम्मा। अरे हमको बताओ तो सही, हमें नहीं बताओगी? क्या हुआ, कौन लड़की थी बेटा? अम्मा एक लड़की गुड्डू जी को छोड़ने आई थी। कौन थी वो? का हुआ, का कही? नहीं अम्मा, हमको तो कुछ मालूम नहीं है कौन है, बस आई छोड़ के चली गई। अरे अम्मा तुम किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं, ऐसे ही होगी, सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, ऐसे ही थी कोई लड़की। अब बिटिया रुको, अंदर चलो, हम सरगी का थाली बनाए हैं, लेती जाओ। अच्छा नहीं अम्मा, हम अंदर नहीं जा सकते। अरे गुडवा की बात का काहे बुरा मान रही हो, वो तो ऐसे ही बोल गया, परेशान ना हो। आओ आओ अम्मा, हम तब तक अंदर नहीं जाएंगे जब तक हमको गुड्डू जी खुद लेने नहीं आते। और हमारा ये विश्वास है अम्मा कि गुड्डू जी जरूर आएंगे। सुहागन का यही विश्वास काम आवत है बिटिया, और हम जानत है भगवान तुमका कभी निराश नहीं करिए, कब नहीं। हाँ माँ, इसलिए हम करवा चौथ का व्रत करेंगे, और हमको पूरा भरोसा है कि भगवान हमारा व्रत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जीती रहो बिटिया, जीती रहो। तुम ठहरो, हम अभी आते हैं। आए बिल्लो का सुनवाली, कितना बुरा दिन आएगा ना हम लोग का। हर बेर करवा चौथ के दिन हम लोग अम्मा को कुछ ना कुछ जरूर देते रहे, लेकिन ये भी हम लोगन का हाथ एकदम में खाली होगी। बहुत बुरा लागत है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सका थे ना। बिल्कुल सही कह रही हो मिठ्ठू जीजी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हाँ, अरे किस मुंह से हम अम्मा से सरगी लेने जाए, शर्म तो आएगी ही ना। तो अबे बिल्लो दीदी, अम्मा से कुछ छुपा है का? जानत है ये बखत ना हम लोग अठन्नी अठन्नी के लिए मोहताज है, अब ना ये तो कहां से दे। बाकी हम कला करते ना कि हम लोग जौन कर सकते कम से कम मुंह तो करें। ए मिट्टू जीजी, बिल्लो दीदी कि कुछ ना ही तो कम से कम हम लोग ना हलवा बना लेते। कुछ ना ही दे से अच्छा है कि कम से कम मीठा खिला के अम्मा को कुछ तो दे दे। हाय कसन वाली, आज तो इज्जत बचाई ली हम लोगों का, है ना? लेकिन मिठा चीची, ये जो हलवा है ना, ये महादेवी के उठने से पहले हमको बनाना पड़ेगा, नहीं तो महादेवी ना हम लोगों का हलवा बना देगी। चलो चलो। जी आवाज आ रही है, पता नहीं कोई है, खटर पटर, पता नहीं क्या आवाज आ रही है वहां से। कहां खटर पटर आ रही है आवाज? लगता है कोई चोर घुसा है। चोर नहीं, हमें लगता है कि चाचा चाची होंगे जो चुपके से किचन में घुसकर कुछ खा रहे होंगे। अभी बताते हैं हम अभी बताते हैं कि हम क्या चीज है। वाह,
आप लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं ना। आप यहाँ किचन में और हमारे किचन में चोरी चुपके हलवा बना रही थी। अभी आप लोगों को बताते हैं, अभी ना हम आप लोगों को सजा देंगे। है देवी, अरे कहाँ बड़बड़ाई जा रही हूँ। अपने से बड़े लोग से ऐसे बात किया जाता है का? अपने माई बाप की उम्र के लोगों से ना लोग ना थाली में चंदन अक्षत लेके उनका टीका करते हैं, आरती उतारा जाते हैं। वाह वाह वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। आप लोगों के साथ जैसा हो रहा है ना बहुत सही हो रहा है, जैसी करनी वैसी बननी। अरे देवी, अरे शर्म करो, ऐसे बात किया जाता है का? आज करवा चौथ है देवी, ये हलवा ना हम लोग अपने खातिर नहीं बनाए, अम्मा के खातिर बनाए। हमरा तो बुढ़ापा सुधर गया, आज हमका लगा कि हमरी तीन बहुएं भी हैं और हम उनका सास हैं। ला बिटिया यहाँ दो। अम्मा अम्मा, हम आप ना बहुत भोली हैं। आपको पता है ये लोग ना ये लोग नाटक करे नाटक। इन लोगों ने हमारे किचन में चोरी चुपके आके हलवा बना रहे थे ये लोग, और ये लोग तो चोर है। आप भी ना अम्मा चुप, अपन माए बाप से ऐसा बात किया जाता है का? देवी, इन लोगों ने चोरी नहीं की है। देखो इस बार गलती तुम्हारी है कि तुमने इन लोगों को चोर समझा, और तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। अरे दीदी, हम माफी मांगे? देवी हम कह रहे हैं ना माफी मांगो। सॉरी, ऐसे माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें हमारे साथ करवा चौथ की पूजा भी करनी पड़ेगी। करवा चौथ? हम कितना मजा आएगा, हम भी करवा चौथ रखेंगे। वाह, पर हम देवी के लिए हम लोगों के पास औकात ही नहीं है। ये लिए हम लोग सोचे कि कुछ नहीं तो कम से कम हलवा बनाए कि आपका मुंह भी ढक है। बस रचुक तो लाइन, बस रोना ही बिटिया। इससे नेक तोहफा तो हमका कभाव नहीं मिला, और तोहफा दे वाले का नियत देखे जाता है तोहफा नहीं। भगवान तुम लोगन का ऐसा ही सद्बुद्धि दे और तुम सब को खुश रखे, सदा सुहागन रखे। अच्छा चलो बस, अब रोना नहीं, उठो। देखो 5 बजे से करवा चौथ का व्रत शुरू हो जाई है, चांद देखे तक अन्न जल ग्रहण नहीं करना। चांद देखे के बाद अपन अपन पति से अन्न जल ग्रहण कराए के पानी पी के व्रत तोड़ना। मजा आएगा ना दीदी, हमारे लिए तो ये पहला करवा चौथ है, हम भी उपवास रखेंगे। हमने तो आज तक कभी उपवास नहीं रखा। नहीं देवी, तुम उपवास नहीं करोगी। लेकिन क्यों? अरे तुम उपवास करोगी तो तुम्हारे बच्चे को भी करना पड़ेगा ना, इस हालत में ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तुम अच्छे से खाओ और बाकी पूजा वैसे ही करना जैसे हम लोग करेंगे। लेकिन नहीं दीदी वो। अरे बिटिया, जो तुम्हारी दीदी कहते है ठीक है। हाँ देवी, अम्मा ठीक कह रही है, व्रत रखना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम करवा चौथ की पूजा कर लो, यही बहुत बड़ी बात। ठीक है। है कोई रिश्ता जिसे हमारे या गुड्डों के अलावा और कोई नहीं पढ़ पाया? ये नीलो कौन है? हमरी भागो वाली, हमरी
तुम्हारे मेहंदी लगाए तो लगाओ। अरे ऐसा हाँ? हम लगा देते हैं तुम्हारी मेहंदी। अरे इस टाइम में क्या चल रहा है तुम लोग का? ऐसा कौन सा आइटम होने वाला जो तुम लोग इतने पहन ओढ़ के तैयार हो? अरे हमें भी तो बताओ, ऐसा कौन सा कदरदान मिल गया तुम लोग को, वो भी सवेरे सवेरे। अरे एक कहाँ बोले जा रही हो, तुमको पता नहीं है का? आज करवा चौथ है और करवा चौथ पे औरतें अपने पति के लिए व्रत रखे हैं, उसकी सलामती के लिए। हाँ हाँ पता है पता है। तो ये तामझाम देख के हमको भी बड़ा मन कर रहा है, चलो चलो हमें भी मेहंदी लगा दो। अच्छा बताओ तुम्हारा कोई चाहने वाला है या फिर जिसको तुम पसंद करती हो या फिर किसी से शादी की बात चल रही हो, बता दो, तुम्हारी हथेली में उसका नाम लिखवा देंगे, फिर तुम्हारी किस्मत की रेखा है उसके नाम से जुड़ जाएगी। हाँ बताओ ना बताओ। तुम सब भी ना चलो चलो अपना काम करो चलो। जीव जंतु का सूरज नहीं सुहाते, देखा अभी तक औंधे पड़े हैं। ओ महाराजा दिराज, उठो, सुबह हो गई, सूरज सर पे आ गया है। ए गुड्डू, गुड्डू उठो, दुकान नहीं जाए का है। सोने दो, मैं परेशान ना करूं। अरे गुड्डू बेटा उठ जाओ। हेलो। अरे हाल क्या है, कैसे हैं जनाब आप? नीलू शुक्रिया, थैंक यू, बस हो गया खुश। चलो अच्छा क्या तुमने हमको घर पहुंचा दिया ना साला, हम तो कन्नौज से कानपुर ही मुड़ जाते। लागत है ये वही लड़की है जो रात में आई रही, झुनझुन जी के खातिर कह रही हमका। है कोई रिश्ता जिसे हमारे या गुड्डों के अलावा और कोई नहीं पढ़ पाया? ये नीलो कौन है? हमरी भागो शुक्रिया, थैंक यू, बस हो गया खुश। चलो अच्छा क्या तुमने हमको घर पहुंचा दिया ना साला, हम तो कन्नौज से कानपुर ही मुड़ जाते। लागत है ये वही लड़की है जो रात में आई रही, रुमझुन जी के खातिर कह रही हमका। गुड्डू तुम जो ये सब हमसे कह रहे हो इससे हमको क्या मिलेगा? हाँ अच्छे लोग तो बदले में अच्छा काम करते हैं, एकदम ढिंचैक टाइप से। बोलो क्या करें? गुड्डू असल में बात ऐसी थी कि हम और कुछ दिन यहाँ पे हैं, कहे कि हमारी मंडली वापस चली जाएगी, तो हम सोच रहे थे कि यहाँ के आसपास की जगह देख लेते, तो कहे नहीं तुम आज हमको दोपहरिया में एकदम ढिंचैक तरीके से सब घुमा दो। देखो हमारे पास समय नहीं है, बहुत काम है हमको, हम नहीं घुमा सकते, तुम अपने घर ही घूमो। अरे गुड्डू अरे नीलू क्या गुफ्तगू कर रही थी किससे? मुझे गुड्डू के लेकर बहुत फिक्र है, जरूर कोई गम है जिसे वो छुपा रहा है, दिखाता कुछ भी नहीं है ना ही कुछ बोलता है, लेकिन हम जानते बहुत दुखी है वो। देख रहे हैं वो दर्द बे रहे, कहीं तुम्हारा ना बन जाए एक अनजान के लिए इतना मुंह। रिश्ता क्या है तुम्हारा? नाम ही तो नहीं दे पाए आज तक। है कोई रिश्ता जिसे हमारे या गुड्डों के अलावा और कोई नहीं पढ़ पाया? ये नीलो कौन है? गुड्डू
हम कुछ पूछ रहे हैं। लड़का भी ना। गुड्डू, ए गुड्डू, ए गुड्डू, हम भी बात सुनो। ये नीलू कौन है? हमारे दोस्त।